विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बैठक के बाद यूसीसी का विरोध करने का किया फैसला। बोर्ड ने लेटर जारी कर लोगों से विरोध करने की अपील की। अजीत पवार के बगावत के बाद लड़ाई अब एनसीपी पर दावेदारी तक पहुंची। पार्टी के नाम और निशान पर दावे को लेकर शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। एनसीपी में 53 में से 35 विधायक अजीत पवार की मीटिंग में मौजूद। शरद पवार खेमे में पहुंचे 13 विधायक। एनसीपी के महाराष्ट्र में कुल 53 विधायक है। ब्रिजभूषण पर लगे पॉक्सो एक्ट में आया नया मोड़। कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के पिता को भेजा नोटिस। कोर्ट ने पूछा नाबालिग ने क्यों बदला अपना बयान। भाजपा के आदिवासी प्रेम की खुल गई पोल। मध्य प्रदेश के सीधी में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना। बीजेपी कार्यकर्ता ने आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया। वायरल वीडियो होने के बाद सीएम शिवराज ने युवक पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा। कहा महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी सत्ता के लालच में पड़ी है। पंचायत चुनाव से 3 दिन पहले बंगाल में फिर हुआ बवाल। साउथ 24 परगना में टीएमसी आईएसएफ समर्थकों के बीच बमबाजी में 17 साल के टीएमसी समर्थक की गई जान। 3 दिन बाद होना है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव। मोदी सरकार के राज्य में बैंकों का बुरा हाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पीएसबी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, कई राज्यों में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एमपी राजस्थान समेत 26 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी में बारिश से 10 लोगों की गई जान। दिल्ली मुंबई में सड़कें धंसी, कई कार और बाइक गिरी। कीर्ति सेनन ने शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस। ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स रखा नाम। आज करेंगे स्पेशल अनाउंसमेंट।